मानव शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। ये चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। योग और ध्यान क्रियाओं के जरिए इन ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय किया जा सकता है। आज हम आपको शरीर के 7 चक्र के बारे में बताएंगे। पहला, मूलाधार चक्र। यह चक्र गुप्तांग और गुदा के बीच में स्थित होता है। यह चक्र इंद्रिय सुख, काम वासना और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना से संबंधित होता है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र कमर के पीछे तिकोनी हड्डी में स्थित होता है। संतुलित स्वाधीनाष्ट चक्र के लक्षण दया, मित्रता, अपनेपन की भावना और अंतर्ज्ञान आदि से है। तीसरा, मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के स्थान पर अव्यवस्थित होता है। संतुलित मणिपुर चक्र पाचन, संतुष्टि की भावना, आत्मविश्वास और फोकस को बेहतर करता है। चौथा, अनाहत चक्र। यह चक्र सीने में स्थित होता है। संतुलित अनाहत चक्र भय और तनाव को दूर करता है। पांचवा, विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है। विशुद्ध चक्र रचनात्मकता, ज्ञान, जागरूकता और विश्वास से संबंधित। यह गर्दन, कंधे, हाथ और मुँह को नियंत्रित करता है। पांचवा, आज्ञा चक्र। यह भावों के बीच में स्थित होते हैं। आज्ञा चक्र ही तीसरी आंख है। जब लोग ध्यान करके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लेते हैं तो वो बौद्धिक स्तर पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सातवां, सहस्त्रार्थ चक्र। यह चक्र सिर के बीचों बीच स्थित होता है। यह मस्तिष्क और पीनियल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र को सक्रिय होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है।